आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की एक नई समस्या की, बच्चों की जिद्दीपन की समस्या पर। कैसे बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, कैसे अपनी बात मनवाते हैं। आजकल सभी माता पिता इस समस्या से जूझ रहे होते हैं। अक्सर देखने में आता है बच्चे अपनी जिद मनवाने के लिए कभी सड़क पर लौट जाते हैं, कभी दुकान के आगे फैल जाते हैं। कुछ बच्चे तो यहाँ तक कि दीवार में सिर मारने लगते हैं और माँ बाप डर के मारे उनकी जल्दी से इच्छा पूरी कर देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा अपने आप को कोई नुकसान कर ले। कुछ बच्चे जिद में आकर अपनी बात मनवाने के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं और माँ बाप उनकी इच्छा पूरी करने को मजबूर हो जाते हैं। आइए देखते हैं कि बच्चे के जिद्दीपन के क्या कारण हैं और उन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहला रीजन, बच्चे की जिद करने पर आपको उसकी बात का मान लेना। कोई बात मान लेते हैं, पहले मना करते हैं, लेकिन उसकी जिद करने पर उसकी बात को मान लेते हैं, तो बच्चा ये समझता है कि उसकी जिद करने से उसकी बात पूरी हो जाएगी, वो जिद करना सीख जाता है। बच्चे को किसी काम के लिए मना किया, जैसे तुम अभी चॉकलेट नहीं खाओगे, अच्छा खाना खा लो तब चॉकलेट दे देंगे, तो बच्चा जिद पर आ जाता है कि पहले मुझे चॉकलेट दो। माँ बाप सोचते हैं चलो खाना तो खा लेगा, चलो चॉकलेट दे देते हैं और उसकी जिद मान लेते हैं। या जिद पर आ जाता है कि मुझे अभी ये सैंडल खरीदने हैं, ये मार्केट से ये सामान खरीदना है, तो माँ बाप पहले मना करते हैं या किसी कारण से नहीं दिलवाना चाहते हैं, लेकिन जब वो सड़क पर लौट लगाने लगता है, फैल जाता है और कहता है नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, ये खिलौना मुझे अभी चाहिए, तो माँ बाप को लगता है ये ड्रामा कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है, सारे लोग देख रहे हैं, उनको तमाशा बन रहा है, तो जल्दी से चुपचाप से उसको वो चीज़ दिला देते हैं और बच्चा आपकी कमजोरी समझ जाता है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको पता है कि वो चीज़ आपको दिलवानी ही पड़ेगी तो एक बार में दिला दीजिए, और अगर मना करना है तो पहली बार में ही मना कर दीजिए और फिर उसके जिद करने पर उस चीज़ को मत दिलाइए या उसकी इच्छा वो पूरी मत कीजिए, इग्नोर कर दीजिए कि वो जिद कर रहा है। थोड़ी देर नखरे दिखाएगा या कुछ करेगा, फिर उसके बाद वो समझ जाएगा कि उसकी जिद नहीं चलेगी। जैसे दीवार में सिर मारा तो माँ बाप घबरा जाती है कि बच्चे को समझ नहीं है, खुद को चोट मार लेगा, तो शुरू में ही जब वो पहली बार ऐसा कुछ करे तो उसको सख्त हिदायत दे दीजिए, अगर तुमने इस तरह किया तो तुम्हारी ये बात हरगिज नहीं मानी जाए। शुरू में तो वो बात समझ जाएगा शायद, लेकिन अगर 3-4 बार कर लिया और उसके डर के मारे आपने बार बार उसकी इच्छा पूरी की, आदत बन जाएगी जिद करना और अपनी बात मनवाना। बच्चे जिद्दी तब बनते हैं किसी बात को जिद करने पर, बार बार जिद करने पर उस बात को मान लिया जाए, यानी कि आपका स्टैंड जो है वो स्टिल नहीं है, स्टेबल नहीं है, आपने जो निर्णय लिया वो आपका निश्चित नहीं है। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस मिल सकते हैं कि बच्चा जिद करने लगा और माँ बाप ने जिद में आकर परेशान होकर के उसकी बात को मान लिया। आपको ये निश्चित करना है कि आपने ना करनी है तो ना करनी है और हाँ करनी है तो हाँ करनी है। बच्चे के जिद में आकर अपना निर्णय बदलना नहीं है। अगर आपने कहा कि बच्चे को आज खेलने बाहर नहीं जाना है तो उसके जिद करने पर भी आपको मना करना है कि नहीं, तो वो ये समझ जाएगा कि एक बार पापा ने, मेरी मम्मी ने मना कर दिया तो इसका मतलब ना है। अगर उसे 2-3 बार जिद करने पर कहा अच्छा जाओ खेलो, तो वो ये समझ जाता है कि मेरी जिद करने पर मेरी बात मान ली जाएगी और वो जिद करना सीख जाता है। पहला तो कारण ये हुआ। दूसरा कारण है कि बच्चे के अगर माँ बाप के बीच में आपस में किसी तरह का लड़ाई झगड़ा है, मन मुटाव है, तो माता पिता क्या करते हैं कि अपनी तरफ बच्चे को खींचने के लिए, अपनी तरफ करने के लिए बच्चे को लालच देते हैं, बाजार से कुछ चीज ला कर देते हैं, तो तरह तरह की लालच माँ बाप बच्चे को देते हैं और बच्चा उसका लाभ उठा करके जिद्दी बना करता है, माँ बाप के झगड़े का फायदा मिलता है। बच्चों के जिद्दी बनने का एक अन्य कारण होता है कि घर में परिवार में कई सदस्य हैं, किसी चीज के लिए एक व्यक्ति ने मना किया लेकिन दूसरे व्यक्ति ने उसी चीज को हाँ कर दी, तो बच्चा ये समझ जाता है कि मेरे जिद करने पर मेरी बात मान ली जाएगी। जैसे दादी बाबा घर में है तो बच्चे के माँ बाप के मना करने पर वो दादी के पास या बाबा के पास चला जाता है, उनसे अपनी बात जिद करता है, लाड़ प्यार में दादी या बाबा दादू की बात को पूरा करने की कोशिश करते हैं।
इस तरह बच्चा समझ जाता है। कभी कभी क्या होता है, पिता किसी चीज को मना किया तो माँ उस बात को पूरा कर देती है, या माँ ने किसी चीज को मना किया तो पिता ने कहा कोई बात नहीं दे दो ना इसे, अगर ये कह रहा है तो। बस बच्चा समझ गया कि मेरे जिद करने से बात पूरी हो सकती है, और वो जिद्दी बनने लगता है, फिर धीरे धीरे जिद्दीपन बढ़ने लगता है। आपको उसको रोकने के लिए सबसे शुरू में ही उपाय करने होंगे। अगर ये चीज बढ़ चुकी है तो बहुत मुश्किल है इसको रोकना। सबसे पहली बार जब वो दीवार में सिर मारता है तो उसको रोकने के सख्ती के साथ पेश आइए और उससे कहिए, ये तुम्हारी गलत बात है, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी ये इच्छा हरगिज पूरी नहीं होगी। उस समय उसकी उस जिद को बिल्कुल मत मानिए। धीरे धीरे बच्चा समझ जाएगा कि इस तरह जिद करना गलत है। लेकिन 2-3 बार अगर वो सिर मारकर दीवार में या कहीं लुढ़क कर फर्श पर गिर कर इस तरह जिद करता है और आपने बात मान ली कि बच्चा इतना रो रहा है चलो कोई बात नहीं, तो बच्चे ने तो फिर जिद करनी ही करनी है। हर बच्चा, इवन गोद का बच्चा, 6 महीने का बच्चा भी अपनी जिद पूरी करवाना माँ बाप से जानता है कि माँ बाप से मेरी जिद कैसे पूरी हो सकती है। यदि आप अपने बच्चे को घर में नौकर के पास ज्यादा देर छोड़ते हैं, मेड के पास ज्यादा देर छोड़ते हैं, तरह तरह के चीजें दे जाते हैं खेलने की खाने की, तब भी बच्चा समझ जाता है कि मेरे पेरेंट्स तो बाहर रहते हैं और वो अपनी मेड से नौकर से तरह तरह की अपनी इच्छाएं पूरी करवाता है और वो जिद्दी बन जाता है। और माता पिता के आने पर वो ये समझता है कि अब बहुत देर के बाद माता पिता मिले हैं और वो अपनी तरह तरह की फरमाइशें करने लगता है, और उस जिद को पूरी करवाने के लिए माँ बाप को भी लगता है कि हम इतनी देर के बाद मिले हैं, उसकी हर इच्छा पूरी करते जाते हैं, बच्चा जिद्दी बनता जाता है। आपको बच्चे को जिद्दी होने से रोकना है, उसको समझाना है कि जिंदगी में हर जगह सामंजस्य की जरूरत होती है। गलत जिद मानने से बच्चा बिगड़ जाता है और सही रास्ते पर नहीं चलता। दोस्तों, अब हम फिर मिलेंगे अगली बार एक नई समस्या के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।